आज हम बात बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री के बारे में करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड में बेवाक छवि रखती है। वो ना डायरेक्टर को कुछ कहने से चूकती है, ना एक्टर को। सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक किसी ना किसी विवाद में उलझी ही रहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की। हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म जजमेंटल है क्या को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए। इससे पहले जब उनकी फिल्म मणिका रिलीज हुई थी तब भी वो कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसी रही थी। इसके अलावा उनकी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड उठा के देखे तो पता चलेगा कि ज्यादातर फिल्मों की रिलीज से पहले या रिलीज के बाद कंगना विवादों में घिरी रही हैं। कंगना की जिंदगी की कहानी भी उतार चढ़ावों और कई तरह के विवादों से भरी है। फिल्मों में उनकी एंट्री भी काफी मुश्किल भरी थी और जिंदगी की कहानी भी कुछ इस तरह की है। अगर हम बात करें उनकी तो उन पर एक अच्छी खासी बायोपिक फिल्म बन सकती है। इस बात का जिक्र कई बार उनके फैंस ने भी किया है। काफी स्ट्रगल के बाद कामयाबी की इस मुकाम पे पहुंचना, कंगना उसको अपने मेहनत का श्रेय देती है। वाकई कंगना ने बहुत मेहनत किया है इस इंडस्ट्री में एक अपना नाम बनाने के लिए। आज के दौर में बॉलीवुड की एक लौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्में सिर्फ उनके नाम से चलती हैं। क्वीन, मणिका और ऐसी कई फिल्में हैं जो कंगना के नाम से हिट हुई हैं। उनकी अधिकतर फिल्मों में कोई लीड हीरो नहीं होता, कंगना ही खुद फिल्मों की हीरो और वही फिल्म की हीरोइन भी हैं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि तकरीबन 300 फिल्मों का हिस्सा कर चुकी दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के बाद कंगना रनौत आज के दौर में एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने दम पर फिल्में हिट कराने का मद्दा रखती हैं। आपको बता दूं, कंगना अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं और उनको इस बात का गुरूर भी है, और हो भी क्यों ना, कंगना है ही एक बेहतरीन कलाकारा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।